हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जी हां, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी HBSC के अगर आप छात्र हैं, वीडियो के अंदर देखिएगा, भाई रिजल्ट्स पर बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। आप सभी का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट कब तक जारी कर रहा है हरियाणा बोर्ड, इस पर बड़ी खबर आई हुई है भाई। आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं वो 28 मार्च को ही ख़त्म हो गई थी और हरियाणा बोर्ड ने 3 अप्रैल से लगातार कॉपियों का मूल्यांकन है वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं, काफ़ी इस बीच में ऐसे भी कार्य रहे हैं जिसमें छुट्टियों की वजह से हरियाणा बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग है वो बाधित हुई है, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी कॉपियों का मूल्यांकन 80% कर लिया है, यानी कि 80% आपकी कॉपियाँ पूरी हो चुकी है। इस बार हरियाणा बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बड़ी खबर है। जैसे ही अध्यापक कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, वे आपके जो नंबर हैं तुरंत, जी हां, रिजल्ट्स जो तैयार कर रही है कंपनी, उस कंपनी को सीधे यहां पे आपके मार्क्स भेजे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, आपके मार्क्स हरियाणा बोर्ड में जाते थे, उसके बाद कंपनी को भेजे जाते थे। इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता था। अब सीधे आपके अध्यापक आपके जो चेकिंग कर रहे हैं, वे नंबर आपके सीधे इस कंपनी को भेजे जा रहे हैं। कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब आपका रिजल्ट तैयार करने में। आपको बता दूं, 30 अप्रैल तक आपकी कॉपियां मूल्यांकन पूरी करनी है हरियाणा बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उन सभी की, लेकिन जो अध्यापक है वो आपकी कॉपियां 25 अप्रैल से पहले ही पूरी कर लेंगे आपकी कॉपी चेकिंग भाई, ठीक है। उसमें तकरीबन और 10 दिन का समय लगेगा, यानी कि हरियाणा बोर्ड आपका परीक्षा परिणाम मई के पहले हफ्ते में ही जारी करने की फिराक में है भाई। आपको बता दूँ, उससे पहले जिनकी भी परीक्षार्थियों की UMC केस बने थे उन सभी की सुनवाई हरियाणा बोर्ड में होनी है, जो कि आपकी 2 या 3 मई के आसपास हो सकती है। आप सभी का रिजल्ट 7 या 8 मई को जारी किया जा सकता है हरियाणा बोर्ड की तरफ से, और प्रत्येक जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी, उम्मीद की जा रही है बहुत।